कानपुर के वैभव गुप्ता इंडियन आइडल 14 के विनर बन गए हैं। वैभव को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक शानदार कार मिली है। इंडियन आइडल सीजन 14 की शुरुआत से ही वैभव गुप्ता ने अपनी गायकी से जजेज और दर्शकों को इम्प्रेस कर दिया था। हर एपिसोड के साथ उनकी आवाज भी निखरती गई। वैभव गुप्ता इंडियन आइडल 14 के विजेता के रूप में उभरे, जबकि सुभादीप दास चौधरी फर्स्ट रनर अप बने और पीयूष दूसरे रनर अप बने। दोनों रनर अप को 5-5 लाख रुपए मिले। इंडियन आइडल सीजन 14 की ग्रैंड फिनाले में वैभव, सुभादीप दास, पीयूष पनवार, अनन्या पाल, अंजना और आधा मिश्रा थी। वैभव ने सबको पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 में विशाल ददलानी, कुमार शानू और श्रेया घोषाल जज के रूप में नजर आए, जबकि शो को होस्ट हुसैन ने किया। वही फिनाले की रात सोनू निगम और नेहा कक्कड़ गेस्ट बनकर आए थे। वही वैभव गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि जीती हुई रकम से एक स्टूडियो बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने शो से जो पुरस्कार राशि जीती है उसे मैं अपना स्टूडियो बनाना चाहता हूँ, जहाँ मैं गाने रिकॉर्ड कर सकूँ। वैभव ने आगे कहा कि मेरे दर्शकों और फैंस ने हमेशा मेरा समर्थन किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनका मनोरंजन कर सकूँ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।